It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a blue. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You. Welcome back to the vlog of Fusion Ride 2G. ये है हमारी ग्वालियर की सेकंड ट्रिप और देखते हैं इस बार क्या मिलने वाला है यार. लास्ट टाइम तो कुछ ज़्यादा नहीं बट बहुत कुछ मिल गया था. बट वील ट्राई कि इस बार भी हमें बहुत कुछ मिले. अभी हम निकल चुके हैं मथुरा से और मूविंग है टू द ग्वालियर. सो वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ फ्यूजन बाइट. तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मेरे प्रिय दोस्त हैं राइडर्स क्लब के, वो आए हुए थे यार, और उन्होंने मुझे एक रिकमेंडेशन दिया था मोमोज़ के लिए. एंड सो हम हैं यहाँ पर मोमोज़ के लिए. बेसिकली स्टीम इनका प्रेफरेंस ज़्यादा था, बट फ्राइड भी है इनके पास में. सो मैंने स्टीम लिया है ओनली. मोमोज तो हर जगह मिल जाते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट हर जगह की स्पेशलिटी होती है विद द क्वालिटी ऑफ चटनी और दी फिलिंग. एक्चुअली नैनीताल टेस्टी बास्केट करके है लोकेशन. हमें छोटी सी चार चौपाटी टाइप की है. ये अपना मोंटे कार्लो का शोरूम है और एक छोटी सी चार चौपाटी है गोविंदपुरी चौराया है. यहाँ पर आप आइएगा ज़रूर एक बार यार. ग्वालियर के राइडर्स क्लब हैं. इंस्टाग्राम पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पे इनका इंस्टाग्राम हैंडल. उन वो लेके आए हैं हमें यहाँ पर. और स्टीम मोमोज बता दें यार, काफ़ी फेमस हैं इनके बेसिकली. तो एक बार चेक करते हैं और बताते हैं आपको. सो जी, काफ़ी तारीफ के बाद में हम आए हैं यहाँ पर गोविंदपुरी चौराहे के पास में. स्टीम मोमोज काफ़ी बताते हैं भाई हमारे जो राइडर्स क्लब के जो मेंबर्स हैं. शी इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द राइडर्स क्लब एंड शी इज़ हैंडलिंग दिस कार्ट. एंड अभी दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, आप देख सकते हैं. बाकी दिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको टेस्ट के बारे में. ये है हमारे भाई जो कि एक बार आए थे हमारे ब्लॉग में ग्वालियर के फर्स्ट पार्ट में, और आज हम सेकेंड डे में ग्वालियर के. और ये है राइडर्स क्लब के मेंबर ग्वालियर के, और यही लेके आए थे यहाँ पे. अब ये बोलोगे यार ये लेके आए थे, तारीफ तो करेंगे करेंगे ऑब्वियसली यार. अब इन्होंने खाए हैं तभी तो वही बताएंगे ना क्या क्वालिटी एक्चुअली. फिर भी आप बता दो एक बार क्वालिटी एक्चुअली है क्या. बहुत ही टेस्टी मोमो. मैंने इतनी जगह मोमो ट्राई किया है लेकिन मुझे ये टेस्ट नहीं कहीं नहीं मिला. एक्चुअली जो इनका चटनी है बेसिकली सभी जगह जो होता है स्पाइसी होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार चटनी बनाई गई है कि इसको कोई भी इजीली खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. और जो मोमोज की क्वालिटी है ऑसम है. बहुत पतला इसका परत है, फीलिंग दिखता है बाहर से, तो एक नंबर क्वालिटी है. एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बेस्ट मोमो है. और ये राइडर्स जो है हमारे ग्वालियर के वो इसको चलाते हैं यहाँ पर, तो एक बार ज़रूर आप आइए. पनीर का जो मोमो है हमने दो प्लेट लिए थे. ये है पनीर का और ये है वेजेस. 30 का हाफ, 50 का फुल, 40 का हाफ, 80 का फुल. दोनों ही जस्टिफाई हैं यार, दोनों ही क्वालिटी वाइज पैसे वाइज ना जस्टिफाइड है. मोमोज में ना एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं दी गई यार, ये आप देख सकते हैं. फिर भी एक बार ज़रूर बोलूँगा भाई, आप जगह जगह खाते हो ना मोमोज, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए. और ये देखिए फिलिंग ना एक्चुअली यार बहुत बारीकी से ग्राइंड की गई है, बहुत बारीकी से ग्राइंड की गई है. तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें अलग करती हैं एक्चुअली. कहते हैं ना कि जग बेक रहा है सारी चीज़ें, तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा, तो वही चीज़ है. ये छोटा सा कार्ट है अपना. ये है मोमो, ये है वेज. एक्चुअली चटनी ना दिखने में ज़्यादा कुछ एंग्री नहीं लग रही, ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रही है. और पहली बाइट भाई चटनी ना स्पाइसी है
इतना कम है। बेसिकली इट इज़ मेड फॉर दी चिल्ड्रन एंड दी ओल्ड एज वन जो खाना चाहते हैं मोमोज। और फिलिंग ने एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर रखी गई है, ना मोटी है ना ज़्यादा पतली है, जिससे कि किसी को खाने में कहते ना कि आधा खाने के बाद मैं ना भाई मोमोज का आधा टुक फेंक देता है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, डिस्प्ले पे आप प्राइसिंग देख लीजिएगा, मैं खाते खाते भूल चुका हूँ प्राइसिंग, तो डिस्प्ले पे आप देख लीजिएगा कितना हाफ कितना क्या है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन कीप लविंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अरे ये क्या भाई साहब तो खेलने लग रहे हैं, अरे वाह अरे वाह अरे वाह भाई, अरे भाई के फ्राइंग पैन तो देखो यार, अरे तुम्हारी अरे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और लगाते हैं इनसे गपशप, बाकी और भ्रमण करना है हमें ग्वालियर का।